तुम दोनों ऐसे हवन कुंड के पास क्या कर रहे हो? पापा वो दरअसल मैं तब हाथ जोड़ना भूल गया था, तो सोचा कि अब कर लूँ ऑफिस जाने से पहले, तो इसीलिए मैं जूते पहनकर हाथ जोड़ रहे थे। ये ऐसा होता है, अब ये एक्सट्रीमली सॉरी, फिर नहीं होगा। क्यों रूपाली, क्या हुआ है? तुम बोलती क्यों नहीं? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? धुआं। अरे तू हवन कुंड से दूर ही रहना था ना, तुम ठीक हो? लेकिन अद्वैत कहाँ है? अद्वैत हॉस्पिटल के लिए जगह देखने गया है ना। क्यों? नहीं कुछ नहीं, उसने जाते समय रक्षा कवच का धागा पहना था ना। उसके सिवा मैं उसे जाने दूंगी क्या? थैंक्स, उस पर जरा ध्यान देना। हाँ, आप फ्रेश हो जाइए, मैं बढ़िया सी कॉफी बनाती हूँ आपको। नहीं चाहिए, मेरे हाथ की कॉफी को मना कर रहे हैं आप। अरे वैसा कुछ तो, नहीं, फ्रेश हो जाइए, मैं जल्दी कॉफी बना। ठीक है, आता हूँ। अरे ऐसा क्यों, बाय भी क्या कहने गया? वो जल्दी में था। अच्छा हो सकता है, आता हूं मैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे बस ऐसे ही, इतने सालों बाद आए हो, सोचो तुम्हें एक बार जी भर के देख लूं। मामा तुम ठीक हो ना? पुणे से निकले तब से देख रहा हूं कि तुम कुछ भी बोल रहे हो। मजाक किया, गाड़ी अच्छी चलाते हो तुम। थैंक यू, मुझे पसंद है गाड़ी चलाना। वैसे तुम लंदन से आए तो अच्छा हुआ, अब कैसे है ना सब आसान हो गया है। मतलब? अरे मतलब लंदन कितना दूर है, तुमसे बात करना मतलब वीडियो कॉल करो, फिर उसके ऊपर नेटवर्क का इशू। अब कैसा है ना, तुम हमेशा के लिए यहाँ आए हो ना, तो सब आसान है मिलना वगैरह, बस यही कह रहा था मैं। डोंट वरी, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। अब आगे का क्या है प्लान? प्लान कुछ नहीं, आर्किटेक्ट होने के बाद पापा के एक फ्रेंड के फर्म में जॉब किया 2 साल, तो अब सोच रहा हूँ कि पापा के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उन्हें मदद करूं। क्या हुआ? वो मुझे भूख लगी है ना, भूख लगी हो ना तो मुझे ऐसा ही कुछ होने लगता है। कोई अच्छा सा होटल देखकर रुकते हैं? हाँ रुकते हैं ना। चलो। कहाँ? अरे भूख लगी है ना तुम्हें? नहीं। अरे मामा अभी तो कहा आपने कि भूख लगी है। मैं रुकता हूँ गाड़ी में, तुम जाकर आओ। मामा क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं, तुम जाओ मेरे लिए एक सैंडविच ले आना बस। हाँ मैं रुकता हूँ गाड़ी में। ऑलराइट। Oh
इससे काम होगा ना? नहीं होगा ना तो पैसे वापस लेके जाओ। एक नंबर जालिम जहर है, सिर्फ तुम उसे गाड़ी में लगाओ। गाड़ी में लगाने के बाद इंसान 15 मिनट में टाटा गुड बाय। भांजे, तुम्हारे आखिरी सफर के लिए तुम्हें ऑल दी बेस्ट। इस गाड़ी में अब तुम्हें सिर्फ जहरीली सांस लेनी है। इस बोतल का जहर तुम्हारा खेल खत्म करेगा। किसका एक्सीडेंट होने वाला है? और मैं ये एक्सीडेंट रोकूं तो कैसे? क्या था उस गाड़ी का नंबर? सफेद गाड़ी 80-12, 80-12। सफेद रंग की गाड़ी, अस्सी बारह। वो आदमी इसी होटल में गया होगा। कितना हुआ? सर आपका 250 रुपए हुए। ओके डन। ओके ये लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे सर। हाँ मामा, बस निकल ही रहा हूँ होटल से। आदि, अरे मैं निकल गया हूँ। मतलब? अरे यहाँ नजदीक के गांव में मेरा काम था। तुम्हें आने में देर लग गई इसलिए मैं निकल गया। मामा मुझे एक कॉल तो किया होता। अरे ठीक है ना, जाने दो, तुम जाओ अपने काम पर। ओके बाय। सफेद रंग की गाड़ी है, 80-12 नंबर है जिसका। किसकी गाड़ी है पता है आपको? मुझे नहीं पता मैडम, हमें कैसे पता होगा? इतनी गाड़ियाँ आती हैं हर रोज। आप जरा पूछ के बताएंगे, मेरा बहुत जरूरी काम है। अरे मैडम मैं काम में हूँ, आप ही जाके पूछ लीजिए ना प्लीज। बाहर वो 80-12 नंबर की गाड़ी है, वो आपकी है? नहीं, सफेद गाड़ी 80-12 नंबर नहीं। बाहर वो 80-12 नंबर की गाड़ी है, वो किसकी है? हाँ, सफेद गाड़ी 80-12 नंबर आपकी है। 80-12 नंबर सफेद गाड़ी नहीं, नहीं किसी की नहीं है। रुकिए रुकिए, कृष्ण आज ही अज्ञात आहे, शक्ति
अरे बंटी कितना हेलो दीदी दीदी बहुत ही बुरी खबर है दीदी एकदम दुखनीय खबर अपने पति को बता दो चिता की तैयारी करो अद्वैत अभी तक पहुंच भी गया होगा ऊपर तुम्हें पता है दीदी ये बंटी एक भी काम अधूरा नहीं छोड़ता आप बस एक काम करो वो मगरपट्टा की वो 5 एकड़ जमीन है ना वो सिर्फ मेरे नाम पे कर दो 50 एकड़ जमीन तेरे नाम कर दूंगी बंटी लेकिन मुझे सबूत चाहिए दीदी कितनी करोगी जल्दबाजी थोड़ा सब्र करो जो बोल रही हूँ वो करो बंटी अद्वैत जिंदा नहीं रहेगा ये तो पता ही है मुझे क्योंकि उसके गले का रक्षा कवच धागा मैंने निकाल फेंका था फिर भी मुझे सबूत चाहिए बंटी कि अद्वैत मर चुका है दीदी आपने धागा निकाल दिया अरे इतनी इतनी होशियार हो आप मुझे सबूत चाहिए बंटी हाँ दीदी थोड़ा सा समय दो खबर आ जाएगी मुझे अद्वैत मर चुका है ये खबर चाहिए ध्यान रखना मर गया दीदी अद्वैत मर गया मेरी मदद करोगी ना किसी की जान को खतरा है उसको बचाओगी ना मैंने कहा था ना तुमसे किसी की जान को खतरा है मुझे पता था दूसरों की जान बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ जाओ उसे बचाओ तुम ही उसे बचा सकती हो जाओ नेत्रा अरे जाओ ना इसे खड़ी की वो देख क्या रही हो जाओ
छोड़िए साहब। ना देवी, आपने ही मुझे वरदान दिया है ना, तो अब इनकी जान आप ही बचाएंगी। मेरी मदद कीजिए माँ, इनकी जान बचाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। पुलिस को बताया है? नहीं, पर डॉक्टर इनकी जान बचाई है ना। वो बात सही है, लेकिन एक्सीडेंट की केस मतलब पुलिस को बताना पड़ता है, समझी? इनकी जेब में देखो कुछ आई कार्ड वगैरह मिल रहा है क्या? हाँ सर, ये लीजिए। इन्हें अंदर ले जाओ। हाँ सर। अद्वैत शेखर राजाध्यक्ष, शेखर राजाध्यक्ष। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? हाँ मैं डॉक्टर पासपुते, खोपोली के सरकारी अस्पताल से बोल रहा हूँ। बोलिए। अद्वैत राजाध्यक्ष आपका ही बेटा है ना? हाँ मेरा बेटा है। क्या हुआ डॉक्टर? आपके बेटे अद्वैत का गंभीर एक्सीडेंट हुआ है। क्या? हाँ, हेड इंजुरी है, हालत थोड़ी क्रिटिकल है। आपके बेटे को यहाँ एडमिट किया है। आप ऐसा कीजिए, जल्द से जल्द यहाँ हॉस्पिटल आ जाइए। उसे कुछ होगा तो नहीं गुरुजी? अद्वैत उसके कर्मभूमि में सुरक्षित रहेगा, परंतु अद्वैत को उसकी जन्मभूमि में अकाल मृत्यु योग है। हेलो, आप मिस्टर राजाध्यक्ष? डॉक्टर, डॉक्टर आप कुछ भी कीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन अद्वैत को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर प्लीज,
हमने हमारे प्रयास जारी किए हैं। आप ऐसा कीजिए, जल्द ही यहाँ चले आइए। बोलो, कहाँ रहती हो तुम? वरसई। वरसई गांव में एक मंदिर है, देवी माँ का मंदिर, वहाँ। मंदिर में? क्यों, घर नहीं है? नहीं। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? खातोबा मंदिर से 12 किलोमीटर आगे। क्या, खातोबा? हाँ, खातोबा। नाम बोलो। नेत्रा कुलकर्णी। अरे तुम्हारा नहीं, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ ना, उस जगह का नाम बताओ। नहीं पता मुझे। पता नहीं मतलब? फिर तुम क्या कर रही थी वहाँ पे? मुझे पता चल गया था कि एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए। मतलब? मतलब मुझे पता चल गया था कि एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए गई थी। क्या? तुम्हारे सपने में आया था क्या कि वहाँ एक्सीडेंट होने वाला है? साहब, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब बता दिया है। उस पेशेंट के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। जो भी किया है वो सब इंसानियत के नाते किया है। इंसानियत कुछ भी। साहब, वो बच जाएंगे ना साहब? अद्वैत बचेगा तो नहीं ना? धीरज रखो दीदी, have patience, अच्छी खबर मिलेगी। 20 सालों से पेशेंस ही रख रही हूँ बंटी, लेकिन ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। दीदी मुझे बताओ, आपके पति के पास ये खबर पहुंची कि नहीं? उसे मिलनी है तब मिलेगी, पर तुम अद्वैत गया है ये पक्का कर लो। मुझे विश्वास है दीदी माँ कि आप उन साहब को जरूर जीवन दान देंगे। उन साहब का एक्सीडेंट होने वाला है, ये संकेत आपने ही मुझे दिया था, और आपने ही मुझे उन तक पहुंचाया भी। मतलब आपकी भी यही इच्छा है कि उनकी जान बच जाए। अरे अब कोई भी कुछ भी करे, हवन करे, पूजा पाठ करे, वो अद्वैत बचेगा नहीं। तुम्हें पता है ना ये मेरे लिए कितना जरूरी है? राजा अध्यक्ष की पूरी संपत्ति हमको मिल जाए, इसलिए मैंने आज तक बहुत समझौते किए बंटी। मेरे सगे बेटे तेजस और तन्मय के मुंह का निवाला छीन के इस सौतेले बेटे अद्वैत के मुंह में डाला है, वो सिर्फ ये दिन देखने के लिए। समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। नहीं समझ में आएगा तुम्हें। नहीं, तुम्हें नहीं, किसी को भी नहीं समझने वाला मेरा हाल क्या है। कितनी ही बार तो मेरे हक पर पानी डाल दिया है मैंने बंटी। दूसरी औरत होती ना तो कब की भाग गई होती, लेकिन मैं रुक गई। इस दिन का इंतजार किया, बहुत त्याग किए है रे मैंने, लेकिन अब नहीं, अब बस। राजाध्यक्ष के अनगिनत संपत्ति के वारिस मेरे सगे बेटे तेजस और तन्मय होंगे, ये सौतेला अद्वैत नहीं। बहुत कम हो चुका है, पेशेंट बचने की संभावना बहुत कम है। मृत्यु न कहे थोर थोर, मृत्यु न कहे हरिहर, मृत्यु न कहे अवतार भगवान का। मनुष्य कितना भी महान हो, चाहे भगवान का अवतार हो, तो भी मृत्यु को टाल नहीं सकते। महामृत्युंजय जप की वजह से सिर्फ मृत्यु थोड़े काल के लिए आगे चली जाती है, लेकिन मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। शुभमस्तु। गुरुजी, मेरे अद्वैत का एक्सीडेंट हो गया। आपने कहा था कि वो रक्षा कवच धागा उसके गले में होने से कुछ नहीं होगा,
ऐसा होने के बाद भी उसका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? असंभव, असंभव है ये। रक्षा कवच धागा गले में होने तक अद्वैत को कुछ भी नहीं हो सकता। गुरुजी मैं सच बोल रहा हूँ, वो धागा उसके गले में था, है। शेखर तुम जांच करके देख लो, वो रक्षा कवच धागा उसके गले में नहीं होगा। गुरुजी मेरे अद्वैत को कुछ होगा तो नहीं? शेखर अकाल मृत्यु अटल है। गुरुजी प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए। प्लीज आप कुछ तो कीजिए गुरुजी। दीदी दीदी उन साहब की तबीयत कैसी है? तुझे क्या करना है, तू जा हॉस्पिटल में लेके आई, तेरा काम हो गया, चली जा। ऐसे कैसे बात करिए आप, ऐसे कैसे मैं उन्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ के चली जाऊँ? हमें हमारा काम करने दो प्लीज, बीच बीच में मत आओ। मुझे मुझे बस इतना बताइए उनकी उनकी तबीयत ठीक है ना? नहीं बचने वाला, वो होश में भी नहीं आया है अब तक। वो दीदी 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 उनको होश नहीं आया है? मतलब होश में नहीं आया, मतलब नहीं आया अभी तक उनको होश। आप डॉक्टर को जाके कहिए ना उनकी जान बचाने प्लीज। मेरी माँ प्लीज मुझे मेरा काम करने देना। तू जाकर उस वेटिंग एरिया में बैठ जा, वरना एक काम कर चली जा यहाँ से, पेशेंट के रिश्तेदारों का आने का वक्त हो गया, जा यहाँ से। ये क्या आ गए? डॉक्टर पाशपुते मैं शेखर राजा अध्यक्ष अद्वैत का पिता, मेरा बेटा कैसा है अब? उनको अभी आईसीयू में शिफ्ट किया मैं है। उससे मिल सकता हूँ क्या? नहीं नहीं बात सुनिए, उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। उसे क्या हुआ? उनके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। अद्वैत को बचा लीजिए, पैसे क्या बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जितना भी महंगा ट्रीटमेंट हो कीजिए, लेकिन उसे बचा लीजिए प्लीज, उसे कुछ मत होना दीजिए, मेरे अद्वैत को बचा लीजिए डॉक्टर। मिस्टर राज्याध्यक्ष पेशेंट अभी तक मौत से जूझ रहा है, उसे कितनी भी महंगी ट्रीटमेंट कीजिए और कुछ अलग कीजिए, पर जब तक उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाता तब तक दुनिया का कोई भी डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। अब सब कुछ पेशेंट के तकदीर पर निर्भर करता है। रिक्वेस्ट करनी थी, अद्वैत के गले में एक धागा है, उसे मत निकालिएगा प्लीज। उसके गले में कोई भी धागा मैंने तो नहीं देखा। नहीं था उसके अरे सच में नहीं, पेशेंट जब यहाँ एडमिट हुआ था तब उसके गले में कुछ भी नहीं था। क्या? खुद को संभालिए। शेखर पूजा संपन्न हो गई, मन में किंतु परंतु नहीं रहने चाहिए। तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ सही होगा, परंतु वो धागा हमेशा गले में होना चाहिए। हाँ गुरुजी। गुरुजी मेरे अद्वैत का एक्सीडेंट हो गया, आपने कहा था कि वो रक्षा कवच धागा उसके गले में होने से उसे कुछ नहीं होगा, ऐसा होने के बाद भी उसका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? शेखर तुम जांच करके देख लो, वो रक्षा कवच धागा उसके गले में नहीं होगा। गुरुजी गुरुजी
बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अद्वैत के गले में वो रक्षा कवच धागा नहीं था। क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते गुरुजी? अगर अद्वैत को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? शेखर, अद्वैत का रक्षा कवच बनके एक लड़की उसके जीवन में आएगी और ये विधि लिखित है। लेकिन वो लड़की कौन है, कैसे पता चलेगा? ये आने वाला काल ही बताएगा शेखर। अद्वैत को जीवन दान मिल गया तो समझ जाओ कि वो लड़की अद्वैत के जीवन में आ चुकी है। और ध्यान रखना, ये लड़की जब तक अद्वैत के आसपास होगी तब तक अद्वैत को मृत्यु छू भी नहीं सकेगी। आप ऊपर कहाँ जा रही हो? टिफिन देने? नहीं नहीं, अभी टाइम है, आप बैठिए नीचे। नहीं, आप नहीं जा सकती, बैठिए। हे भगवान, ये मनहूस यहाँ क्या कर रही है? हॉस्पिटल का शमशान बनाना है तुम्हें? अरे ये काली जुबान की है, इसलिए हमने इसे वागोशी गांव से बाहर निकाल दिया। जहाँ जाती है वहाँ सबको बर्बाद कर देती है। इसे बाहर निकालो पहले, वरना इस हॉस्पिटल से कोई भी बाहर जिंदा नहीं निकल पाएगा। चाची मेरी बात सुनी। वो बंद कर। मेरे पति को यहाँ एडमिट किया है और तेरी परछाई अगर उस पर पड़ी और उनके साथ कुछ भला बुरा हुआ ना तो देख लूंगी तुझे। अरे मौसी, ए मौसी, शोर क्यों मचा रखा है? नहीं है यहाँ पर, इसको कौन लेकर आया यहाँ पर? इसको यहाँ से बाहर निकालो। आप नहीं जानती ये काली जुबान वाली है? ए, ए, चलो निकलो। भैया भैया मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, सिर्फ ऊपर एक साहब है। वो ऐसे नहीं मानेगी। तुम पहले यहाँ से निकलो, चलो। चाची मेरी बात सुनिए ना। चाची, जहाँ जहाँ जाके मरना है वहाँ मर, लेकिन यहाँ मत रुकना। साहब है ना, ये उनके गले में पहना ही है। अरे अभी ऐसे कैसे गले में पहनाएंगे, अंदर ऑपरेशन चालू है, सर डांटेंगे मुझे। दीदी सुनिए, दीदी सुनिए ना दीदी, ये आप साहब के पास रखिए ना, कुछ भी हो पर उनकी जान बचनी चाहिए, सिर्फ उनकी जान बचनी चाहिए, प्लीज। वो ऐसे नहीं मानेगी, चल चल। दीदी रख दीजिए ना।
जीजा जी, क्या क्या हुआ क्या आपने आदि को? ऐसा कैसे हो गया जीजा जी? अध्यक्ष, मेरी ही गलती है। अद्वैत को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए था। जीजा जी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष, अपना आदि क्रिटिकल है। क्रिटिकल? डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अध्यक्ष, तुम्हें कैसे पता चला कि अद्वैत का एक्सीडेंट हुआ है? अरे क्या सोच रहा है तू? तू यहां कैसे आया? मेरा दोस्त इस हॉस्पिटल में काम करता है जीजा जी, उसी ने बताया मुझे फोन करके। आप कुछ चिंता मत कीजिए जीजा जी, हमारे आदि को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लाइट कैसे चली गई? जाओ कोई जनरेटर तो चालू करो, नहीं तो पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाएगा। जाओ 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 जाओ, पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाएगा। Patient is out of danger. It's a miracle. डॉक्टर क्या हुआ? मेरा अद्वैत कैसा है? सच कहूं, हमें ऐसा लगता था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाइट आई और देखता हूं तो क्या, आपका बेटा बिल्कुल स्टेबल, उसका ब्रीदिंग भी अच्छे से शुरू था। मिस्टर राजाध्यक्ष, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आउट ऑफ डेंजर है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, सच में बहुत थैंक यू। अरे हमें क्यों थैंक यू कह रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि आपके भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। वैसे तो ये एक चमत्कार है, चमत्कार। मैं अपने अद्वैत को देख सकता हूँ? नहीं नहीं, अभी नहीं, अब उसे आराम की जरूरत है। ठीक। ओ दोक्षाज, अपना अद्वैत ठीक हो गया। शेखर, अद्वैत का रक्षा कवच बनके एक लड़की उसके जीवन में आएगी। अद्वैत को जीवन दान मिल गया तो समझ जाओ कि वो लड़की अद्वैत के जीवन में आ चुकी है। ये लड़की जब तक अद्वैत के आसपास होगी तब तक अद्वैत को मृत्यु छू भी नहीं सकेगी।
होगी वो लड़की और कहाँ होगी? माँ त्रिनेना देवी, कुछ भी हो जाए उन साहब की जान बचा दीजिए। उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नेत्रा, मौसी, मुझसे जो हो सका मैंने वो सब किया। मैं उन साहब को हॉस्पिटल में लेकर गई, लेकिन मुझे अब नहीं पता वो कैसे हैं। और मुझे ना अंदर कोई रुकने भी नहीं दे रहा है। आप एक बार जाकर देखेंगी वो कैसे हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे होते हुए उसे कैसे कुछ हो सकता है, वो ठीक है। ये सारी देवी माँ की कृपा है। देवी माँ ने तुम्हें दिव्य शक्ति दी है, तुम थी इसीलिए वो बच गया। आपको कैसे पता? आखिर आप हो कौन? तुमने जिसकी जान बचाई ना, मैं उसकी माँ थी। माँ थी मतलब?